माइनक्राफ्ट, बट मैं बना सकता हूँ डोरेमोन का एनीवेयर डोर, जिसके थ्रू मैं जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे एक सेकंड में टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। यानी अगर मुझे डेजर्ट टेंपल जाना है तो मैं चुटकियों में पहुंच जाऊंगा। वुडलैंड मेंशन, नेदर फोर्ट्रेस, कहीं पर भी मैं इस दरवाजे के थ्रू एक सेकंड में जा सकता हूँ। बट यार, इस दरवाजे को बनाने के लिए हमें काफी सारे अलग अलग आइटम्स चाहिए होंगे, जो की बातें करने से नहीं गेम खेलने से मिलने वाले हैं। लेट्स गो, जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने वर्ल्ड में। यो, व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूं अपने वर्ल्ड में। और एक सेकंड यार, ये कैसी सी जगह पर मैं स्पॉन हुआ हूं। सामने काफी सारा मस्त पेड़ है और उधर कोई बहुत ज्यादा बड़ा सा माउंटेन है। एक सेकंड, ये शायद से आइस वाले माउंटेन है। लेट्स गो, वो बहुत ज्यादा बड़ा है सच्ची में। खैर ठीक है, वहां पे बाद में चलेंगे। अभी फटाफट से पता करते हैं कि आखिरकार एनीवेयर डोर को बनाने के लिए क्या रेसिपी है। ठीक है, तो उसके लिए बस मुझे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाना होगा। एक वुड को यहाँ पर रखते हैं और बना लेते हैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल। इसको यहाँ पर रखते हैं और पता करते हैं कि एनीवेयर डोर की रेसिपी क्या है। तो एनीवेयर डोर बनाने के लिए मुझे एक डार्क ओक डोर चाहिए, ओके, और दो मुझे चाहिए पिंक डाई, क्योंकि पिंक कलर का होता है। और साथ ही मुझे दो एंडर पर्ल चाहिए, जो कि मुझे एंडरमैन को मारने से मिलने वाले है, बट उसके भी चांसेस बहुत कम है। और मुझे चाहिए होगा कंपास और साथ में एक एमेथिस्ट शार्ड। ओ वेट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। और साथ ही मुझे दो डिटेक्टर रेल चाहिए। लेट्स गो, ये दो तो मुझे बनानी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत लक पे भी डिपेंड है। लेट्स गो, भी फटाफट से अपनी क्राफ्टिंग टेबल यहाँ से कलेक्ट कर लेते। ओ, ये क्यों तोड़ रहा हूँ मैं, फटाफट वुड तोड़ते हैं, टूल्स बना लेते हैं जल्दी से। भाई एक सेकंड यार, ये तो मैं अपना तोड़ने में मस्त लगा हूँ। गलती से मधुमक्खी का छत्ता ना टूट जाए, वरना ये मेरी बैंड बजा। कहाँ गई? अच्छा, इसके अंदर गई क्या? तोड़ दूँ? अरे भाई, तीन तीन, मैं एस्की में जा रहा हूँ भाई। एक काम करता हूँ, थोड़ी बहुत शीप भी मार लेता हूँ, लगे हाथ बेड बना लूंगा। कम से कम मुझे एक घटिया रात तो नहीं देखनी पड़ेगी इस गेम की। थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट हुआ था तो लगे हाथ में टूल्स बना लेता हूँ ढेर सारे। ये बना ली मैंने खूब सारे स्टिक्स, और बना लेते हैं एक पिकैक्स और एक एक्स, मस्त है। हाँ, तो अभी मेरे को थोड़े बहुत टूल्स बना लेनी चाहिए स्टोन के, क्योंकि ओ भाई यार, जब से अपडेट आया ना भाई, काफी सारी मस्त चीजें देखने को मिल रही है। ये देखो कितनी ज्यादा खतरनाक केव है। डायरेक्ट वहां पे चलते हैं, सीधा आयरन वगैरह मिल जाएंगे। वेट वेट वेट, मैं आयरन वगैरह पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ? मेरे को तो मेन डोर बनाना है ना, एनीवेयर डोर। तो उसको बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए ना, मैं पहले उस पे फोकस करता हूँ, ठीक है। बट हाँ, उसको कलेक्ट करने के लिए भी तो यार एक बेसिक टूल्स चाहिए ही होंगे, इसलिए थोड़ी बहुत चीजें कलेक्ट कर ही लेता हूँ। ओहो हो, बहुत सारा प्यारा प्यारा भोजन मुझे सामने नजर आ रहा है। लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं, फूड कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सारा सामान मैं कलेक्ट करने वाला हूँ। एक सेकेंड, दो, और आ जाओ भाई, भीड़ में नहीं जाने का, इधर आ जाओ, चुपचाप से निकल यहाँ से। लेट्स गो, मेरे हिसाब से भी बहुत सारा फूड कलेक्ट हो गया है। वुड इकट्ठी हो गई है, फूड इकट्ठा हो गया है, अब बारी है स्टोन इकट्ठा करके थोड़ी बहुत स्टोन के टूल बनाने की। लेट्स गो, चलते हैं यहीं से, स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ मैं फटाफट से। ऑल डन गाइस, तो ये वाली जगह मुझे थोड़ी बहुत सेफ लग रही है, और इस टाइम ना मुझे थोड़ा बहुत फूड खाने की जरूरत है। यहाँ पर ये ग्लो लाइकन्स है, इनकी वजह से मस्त यहाँ पर रोशनी भी हो रही है। स्टोन इकट्ठा करते हैं और थोड़े टाइम के लिए रैन बसेरा यहीं पे बनाते हैं। लेट्स गो, आई थिंक इनफ स्टोन इकट्ठा हो गया है, जिससे मैं टूल्स भी बना पाऊंगा और साथ ही कुछ फर्नेस वगैरह बना दूंगा, क्योंकि इस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो खाना होना भी जरूरी है। तो फूड रखते हैं इसमें, बट इसको पकाने के लिए मैं वुड नहीं यूज करूंगा, थोड़ा बहुत ना कोल ढूंढ लेता हूँ। कोल, इतनी किस्मत खराब है सब। वेट, यहाँ पर एक एक्सपी फार्म है, मतलब एक्सपी फार्म नहीं है, सॉरी, स्पॉनर है। अब उस स्पॉनर से सब लोग एक्सपी फार्म ही बनाते हैं, इसलिए उसकी शक्ल देख के मेरे को एक्सपी फार्म की याद आती है। ऑल डन, तो मैंने ढेर सारा कोल इकट्ठा कर लिया है। अब ना यार देखो, मुझको ना थोड़ी बहुत टॉर्चेस भी बनानी होगी, क्योंकि मेरे को उस स्पॉनर को बंद करना पड़ेगा, वरना वहां से ज़ॉम्बीज आते रहेंगे। ओके, तो भी फटाफट से चल के इस कोल को डालते हैं इस फर्नेस में, ताकि फटाफट से ढेर सारा फूड बन के हमें मिले। मैंने वुड डाल दिया, पता नहीं क्या डाला, खैर छोड़ो, जो भी है, मेरे को ना थोड़ी बहुत टॉर्चेस बना लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो ज़ॉम्बीज है ना, उनको मुझे चुप कराना पड़ेगा, और वो होने वाले हैं टॉर्चेस। अरे रास्ता बंद है बिचारों के लिए। हेलो भाई, आप आ रहे? अरे आप आ रहे? आ जाएगा उधर से टूटा, आइए तेरी ऐसे निकल यहाँ से। ओए भाग, अरे बड़ा बदतमीज है, हट निकल जल्दी से। पहले थोड़ा बहुत भोजन कर लेते हैं, और अब मैं इनकी ना बहुत गंदी तोड़ाई कर आने वाला हूँ। अरे भैंस की टंग, वहाँ पर क्रीपर व्रीपर भी स्पोन हो रहे हैं भाई, एक सोर्ड ले आओ यार पहले तो। यप, अब मजा आने वाला है। हाँ भाई, अब बताना कौन फालतू बोल रहा था, तुम्हारी ऐसी की तैसी इधर आई। अरे तू है क्या? तू तो भाई है मेरा छोटा, पीछे हो। इसके साथ स्कैम कर देता हूँ बेचारे के साथ। आजा, ले निकल यहाँ से। अब फटाफट से ना गाइस, मैं यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पांच, डन। अब यहाँ से कोई स्पॉन नहीं होने वाला। लेट्स गो, मुझे आयरन मिल गया, पावर 3, डन भाई, अब आने वाले मजे। बो तो मैं बनाऊंगा ही, पर उसे एंशेंट करने के लिए मुझे यार एनविल बनाना पड़ेगा। एनीवेयर डोर बनाने के लिए मुझे कंपास बनाना था, और कंपास बनता है चार आयरन और एक रेड स्टोन से। अब देखो यार, मेरे पास चार आयरन हो गए हैं,
एक रेड स्टोन चाहिए तो फिर अपने बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अभी ना फटाफट देखो यार, मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली है, तो रात होने से पहले मैं एक बेड बना लेता हूँ अपने सोने के लिए। यार बेड बनाने के लिए ना मुझे फटाफट से शीप को ढूंढना होगा क्योंकि शीप से वूल मिलेंगे और वूल से ही बेड बनने वाला है, पर मुझे दूर दूर तक दूर तक देखने की जरूरत ही नहीं है। एक शीप क्योंकि बगल में ही थी, और वेट वहां पर सामने यार कुछ पंपकिंस हैं, और पंपकिंस के आसपास मैंने हर बार नोटिस करा है विलेज होता ही होता है, तो एक बार चल कर देखते हैं, क्या पता मुझे को विलेज ही मिल जाए, तो भाई कसम से अपने एकदम मजे ही आ जाएंगे। यार देखते ही देखते ना कसम से रात हो ही गई और मैं पंपकिन तक पहुंच चुका हूं, बट यहां पर कोई भी विलेज नहीं है और कितनी ज्यादा खराब किस्मत है, बारिश अलग शुरू हो गई। वेट अंदर जाने लगा, अंदर एंटर मैंने एंटरपल, अरे आराम से एंटरपल दे दो भाई, लेकिन मेरे पास इस टाइम पर आर्मर नहीं है। अगर ये एंटरमैन खुंदक में हुआ मारेगा। अब भैया एक मिनट, आराम से लड़ेंगे दोनों भाई भाई की तरह। इसको ना पहले मैं दूर से बुला लेता हूँ, बारिश में इसकी वैसी ऐसी तैसी होने वाली है। हेलो भाई आजा, इसको मैंने किल सा दिया, इसकी आंखों में आके मिला के अभी मैंने इसे एकदम स्टॉप करा रखा है। लड़ने के लिए रेडी है? 3 2 1 आती नहीं सकता, आजा मजाक, हट पीछे चुपचाप आराम, बहुत तेज मार रहा तू आज, बहुत तेज। ओ भाई टेलीपोर्ट होगा, वेट अभी पीटेगा दूर दूर से। ओ भागो, खाना पड़ेगा मेरे को फटाफट से थोड़ा बहुत। अच्छा मैं बारिश में लड़ेगा ही नहीं, वो मेरे से एडवांटेज है मेरे पास। पानी से डरते हैं, नहाने से नफरत है इसको, तभी तो देख रहे हो कैसा सा रंग हो रखा है उसका। ठीक है भाई, अभी मेरी बहुत ज्यादा बुरी तरह बैंड बजने वाली है, चारों तरफ स्केलेटन क्रीपर सब पीट रहे हैं भाई। मैं जा रहा हूँ, एक मिनट, कोई छुपने के लिए ओ बहुत सारी शीप है वहां पे, मेरे को वूल मिल जाएगी और मैं बेड बना के दिन कर दूंगा भाई फटाफट से। गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन हो चुका है एंड आई थिंक अब बारिश भी बंद हो जाएगी। नहीं हो गई, हाँ भाई इधर निकल यहाँ से। मैं क्यों मार रहा हूँ यार, मैं अच्छा खासा फूड हो चुका है, खाली पीली ने पीटे जा रहा हूँ। अभी मेरे को अपने मिशन पे फोकस करना है, मिशन एनीवेयर डोर बनाना। भाई साहब कितनी मस्त गेम मिली है मेरे को यहाँ पर, एक मिनट यहाँ अगर मैं चला गया तो एनीवेयर डोर पक्का बन जाएगा। ऐसे लग रहा है रास्ता भाई पता नहीं कहाँ ही जा रहा, सीधा डायमंड पे लेके जा रहा है क्या? यार ये केव कितनी ज्यादा बढ़िया है, मन तो कर रहा है सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करके यहीं पे घर बनाऊं अंडरग्राउंड। ठीक है यार, आगे की साइड में तो एक भी आयरन नहीं मिल रहा, मेरे को लग रहा है कि इस टाइम पर जो आयरन है ना वो थोड़ा बहुत और अंडरग्राउंड जाकर मिलते हैं। और फटाफट से ना मैं अपने लिए एक आयरन आर्मर बना लेता हूँ, और साथ ही मुझे एक वाटर बकेट भी बनानी है, क्योंकि अगर एक बारी वाटर बकेट बन गई तो मैं कहीं पर भी बहुत इजीली जा पाऊंगा। और लेट्स गो, हमें रेडस्टोन चाहिए था और रेडस्टोन यहां पर मिल चुका है। वेट यार एक सेकेंड, भाई पीछे ना दो हाइट के ब्लॉक है। हेलो एंडरमैन तेरी, निकल यहां से, आजा इसको अंदर लेके चलता हूं, ये यहां पर ना आ ही नहीं पाएगा। मैं वो पीछे से आ जाएगा, चलो कोई नहीं, मेरे लिए तो मस्त जगह है। अरे बड़ा फट्टू एंडरमैन है, अंदर आ, इधर पीछे आ, आजा आ, पिटाई बेचारा फंस गया है। ओ होती है एंडरमैन छी, बाकी यहाँ ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा आयरन है ये कलेक्ट करते हैं। मेरे को लग रहा है मुझे ज्यादा नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है, मेरा आयरन आर्मर प्रॉपर यहीं पर बन जाएगा, बट जाना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे को रेडस्टोन ढेर सारा चाहिए। नहीं ढेर सारा नहीं चाहिए, 3 रेडस्टोन चाहिए, एक कंपास के लिए और 2 रेल के लिए। तो एक मेरे को यहाँ से मिल गया काश उसके आसपास। ओ नहीं, इसको स्टोन पिकैक्स से नहीं तोड़ना, मेरे को आयरन पिकैक्स बनानी चाहिए। और एक सेकेंड नीचे देखो भाई, वहां पर तो पूरी बारात है मॉब्स की, 3-3 क्रीपर नजर आ रहे हैं। चलो एटलीस्ट 3 वो बन चुके हैं, यानी मैं एक पिकैक्स बना लूंगा। अब फटाफट से चलते हैं यहाँ से ये रेडस्टोन इकट्ठा करने के लिए। और भाई वेट, 2 मिल गए, 5 मिले हैं, डन भाई। यानी मेरे को और रेडस्टोन नहीं ढूंढना, अब बारी है एमेथिस्ट शार्ड की यार, वो थोड़ा बहुत लक से मिलेगा, मतलब ढूंढने से तो मिल जाएगा बट थोड़ा बहुत लक भी उसमें जरूरी है। और नीचे ना एक मस्त जगह है, वो क्या है मेरे को समझ नहीं आ रही, पर वहां जाने में थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि रास्ता जा रहा है। चलते हैं अभी फटाफट से, बट वहां पर जाने से पहले ना मैं थोड़ा बहुत आयरन और थोड़ा बहुत फूड पहले स्मेल्ट करना चाह रहा हूँ। कोने में ना एक छोटा सा डस्टबिन बना लेता हूँ, कुछ फालतू की चीजें ना इसके अंदर फेंक देते। चल भाई निकल। हाँ तो फाइनली मैंने इन्वेंटरी सॉर्ट कर दिया है और अभी कुछ ऐसा अच्छी सी फील आ रही है इसे देखने में। बाकी हाँ यहाँ पर ढेर सारा आयरन भी इकट्ठा हो चुका है, अपने लिए आर्मर बना लेता हूँ। ये बन गई चेस्ट प्लेट, साथ में बना लेता हूँ एक लेगिंग के लिए कम रह गया, हेलमेट बना लेते हैं। चलते हैं सामने की तरफ में, वहां पर बहुत सारा मेरे को आयरन नजर आ रहा है, बट साथ साथ बहुत सारा लावा भी नजर आ रहा है, पर लावा की कोई टेंशन नहीं, ऐसी की तैसी। चलो भाई रास्ता अपने लिए इजीली बन गया, आराम से कूदते हुए चलते हैं। आई थिंक इनफ आयरन इकट्ठा हो गया, मुझे और आयरन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट अपने जादुई रास्ते से वापस भी निकल लेता हूँ। डन, तो ढेर सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है और अभी मैं बनाने वाला हूँ काफी सारी काम की चीजें जो कि मुझे चाहिए थी। एनीवेयर डोर बनाने के लिए 2 चीजें अब मैं बना सकता हूँ, पहले डिटेक्टर रेल और दूसरी कंपास। डिटेक्टर रेल को बनाने के लिए ना मुझे स्टोन चाहिए होंगे, मतलब स्पेशल प्लेट चाहिए स्टोन की, तो उसके लिए पहले मेरे को कोबल स्टोन को स्टोन में स्मेल्ट करना होगा। बाकी कंपास तो इजिली बन जाएगा, बस मुझे यहाँ पर 4 ऐसे रखने और बीच
में एक रेडस्टोन रखना है और ये बन गया। ओके डन, तो ढेर सारे स्टोन भी स्मेल्ट हो चुके हैं। अब फटाफट से प्रेशर प्लेट बना लेते हैं, लेट्स गो। एक सेकंड, यहाँ पर तीन नहीं दो लगेंगे। ये अपने पास आ चुके हैं, एक प्रेशर प्लेट, एक और बना लेते हैं क्योंकि मुझे दो डिटेक्टर रेल चाहिए, तो दो प्रेशर प्लेट लगेगी। तो अभी फटाफट से डिटेक्टर रेल बना लेते हैं। मुझे कुछ इस तरीके से दोनों तरफ आयरन रखने हैं और बीच में रखनी है एक प्रेशर प्लेट और उसके नीचे रखना है ये रेडस्टोन, और छह डिटेक्टर रेल मुझे मिल चुकी है। दो आइटम अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब फटाफट से जो बचा कुछ आयरन है ना, उससे मैं अपने आयरन एंड टूल्स बना लेता हूँ। लेगिंग और बूट ही रह गए थे वैसे तो, उतनी कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जो काम की चीजें हैं वो है अपनी एक स्वॉर्ड, पिकैक्स और साथ में एक्स। लेट्स गो, सब कुछ बन चुका है। मैं फुल रेडी हूँ भाई इस टाइम पर तबाही मचाने के लिए और कहीं पर भी जाकर लड़ने के लिए। मतलब इतने आर्मर में मैं एंडर ड्रैगन को बहुत इजीली कूट दूंगा। यानी अपने नेक्स्ट टास्क बस यही है कि मुझे एनीवेयर डोर बनाना है और अलग अलग जगह पे जाना है। मेरे को ऐसा लग रहा है यार मैं ना नीचे कुछ गलत ही आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम की चीज मेरे को मिलने नहीं वाली। मतलब काम की चीजें बहुत मिलेगी बट एनीवेयर डोर बनाने के लिए जो जो काम की चीजें है वो यहाँ नहीं मिलेगी। भाई साहब मैं भागता हुआ ऊपर जा रहा था और ये देखो क्वेस्टर मेरे पीछे ही है। इस जगह से मुझे एमेथिस्ट शार्ड मिल जाएंगे। फटाफट मैं यहाँ से अंदर चलता हूँ और इस जगह पे भागने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ये देखो ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहो, बस एकदम बोले मस्ती सा साउंड आता है। खैर ठीक है मस्ती कम, फटाफट से मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे यहाँ से एमेथिस्ट शार्ड मिल चुके हैं। एक चाहिए था, चार मिल गए हैं। खतरनाक आवाज बेमतलब आ रही है भाई। ठीक है यार, तो अभी जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा टेंशन थी वो भी मुझे मिल चुकी है। अब बाकी कुछ बेसिक आइटम है जो कि मुझे कलेक्ट करने, एक बार दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये है एनीवेयर डोर, मेरे को कंपास मिल चुका है, दोनों डिटेक्टर रेल हो गई है, शार्ड हो गया है। अब मुझे चाहिए होगा एक डार्क ओक डोर, वो पिंक डाई चाहिए जो कि इजी है, और साथ में मुझे चाहिए एंड्रूपल। एंड्रूपल थोड़ा सा तो मतलब डिफिकल्ट है बट कोई नहीं, एंडरमैन थोड़े बहुत ज्यादा मिल जाए तो पेट दूंगा। अभी मुझे जो जो चीजें चाहिए उसके लिए मुझे केव में घूमने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये देखो मैं इसको रेयर समझ रहा हूँ, ये तो अलग अलग जगह पर बहुत सारे बने। अरे भैंस के मार मुर निकल निकल से खराब। ओहो लेट्स गो, मेरे को ऊपर जाने का एक बहुत ज्यादा मस्त रास्ता मिल गया, बस लावा ना छू जाए। डन, पता नहीं कैसे अजीब अजीब सी गलियां सी हैं पर मैं जैसे तैसे करके ऊपर पहुंच तो रहा हूँ। और सामने रास्ता खुला हुआ है, वेट ये पहुंच गए पहुंच गए। ओह वाह, थोड़ा बहुत तो मैं बाहर निकला हूँ। यहाँ पर पानी आ रहा है यानी कहीं ऊपर से ही आ रहा होगा, इस पे लटक के चलते हैं ऊपर। लेट्स गो, तो फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ और सामने वाला जो माउंटेन है ना, मेरा कसम से एक बारी इस पे जाने का मन कर रहा है, पता नहीं भाग के चलते हैं। ऑल डन, तो फाइनली मैं क्लाइंब करके इस माउंटेन के टॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पर एक केव है, बर्फीला भालू रहता है क्या? वैसे हो भी सकता है, पोलर बियर को क्या पता माइनक्राफ्ट वालों ने ऊंचाइयों पे चढ़ा दिया हो, वैसे मुश्किल ही है। ओ वेट, ये क्या जगह है? सामने एक विलेज है बट प्लेन्स बायोम का। एक सेकेंड यार, कितनी ज्यादा मस्त जगह लग रही है, चारों तरफ से विलेज, एक बर्फीले पहाड़ से घिरा हुआ है। मतलब चारों तरफ से नहीं, शायद तीन तरफ से, नहीं उस वाली साइड पे भी स्नो है। बाकी ठीक है, मेरे को विलेज मिली गया है इसी बात पे, तो यार इस सभी घरों को मैं लूट लेता हूँ, देखते हैं क्या क्या माल। अबे मैं यार इसको क्राफ्ट करने बैठा हूँ, ये देखो यहाँ पर बना पड़ा है। कोई बात नहीं, मेरे को भी पिंक डाई चाहिए होगा एंड आई थिंक पिंक डाई, येलो डाई एंड रेड डाई को मिला के मेरी साइंस से अगर देखा जाए तो ऑरेंज बनेगा, तो मेरे को व्हाइट एंड रेड से बनाना पड़ेगा शायद से पिंक। ठीक है मैं व्हाइट एंड रेड, वो रहा व्हाइट, रेड मेरे पास है ही, तो जल्दी से चलते हैं। तो ये रहा व्हाइट वाला, चल तेरी ओ, इतना मजबूत। ठीक है फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये डाला मैंने ये वाला फ्लावर और ये है लाइट ग्रे डाई, चल तेरी निकल। व्हाइट डाई के लिए शायद से कोई और फ्लावर लगेगा। व्हाइट डाई ना मुझे स्केलेटन से भी मिल जाएगी क्योंकि स्केलेटन को मारने पे बोन मील मिलता है और बोन मील, ओ तेरी स्केलेटन तू तो बिल्कुल बनाई पिटने के लिए। अब फटाफट से एक बोन दे दो। ओ वाओ, तो ये मैं बना लेता हूँ यहाँ से ढेर सारी बोन मील और इस बोन मील से मैं बना लेता हूँ व्हाइट डाई। ये वाला फ्लावर रखना पड़ेगा, इससे बनेगी रेड डाई। अब रेड डाई और व्हाइट डाई को रखकर मेरे को मिल जाएगी यहाँ से दो पिंक डाई और इसी बात पे सारी की भाड़ में जाए बाकी डाई। डन गाइस, तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, फटाफट से मैं सोकर उठ चुका हूँ। अब मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए बट मैं सोच रहा हूँ निकलने से पहले क्यों ना थोड़ी बहुत ये स्नो इकट्ठी कर ली जाए ऐसी मस्ती के लिए। नहीं नहीं नहीं, वैसे ये एंड में काम भी आने वाली है, एंड ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स मैं इसी से तोड़ूंगा, तो इसको कलेक्ट करने के लिए ना मुझे बस एक शवल बनानी है जिससे जल्दी जल्दी कलेक्ट हो जाएगी। चलो 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 फटाफट से बस ये मारना है। चलो भाई, तो अभी ढेर सारे यहाँ पर स्नो बॉल इकट्ठी हो चुकी है और मैं पता नहीं क्यों स्नो बॉल इकट्ठी करने में इतना मस्त होगा कि मैं भूल ही गया मेरे को एनीवेयर डोर बनाना है। यार देखते ही देखते ना मेरे पास फूड भी बहुत सारा खत्म हो चुका है, मतलब यार अभी ना फटाफट मेरे को एंडरमैन को ढूंढना होगा। अरे यार ये टॉर्च से मैं परेशान हूँ, टॉर्च लग जाती है गलती से, मेरा पानी बर्बाद हो जाता है सारा का सारा। यार किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, आज एक डार्क फॉरेस्ट मेरे को नहीं मिल रहा है कि जहाँ से मुझे डार्क ओक वुड मिल जाए। दूर दूर तक देख रहा हूँ, कब से चलता हुआ आ रहा हूँ। वेट एक सेकेंड, वो सब ठीक है, सामने क्या है? ये तो पानी के अंदर देखा था मैंने अब तक, और आज पहली बार मैं पानी के बाहर भी इसे देख रहा हूँ। चलते हैं, शायद से यहाँ पर कुछ चेस्ट वगैरह में से एंड्री पर्ल ही मेरे को मिल जाए तो वो भी थोड़ी बहुत मजे वाली बात हो जाएगी। बाकी यहाँ पर हो सकता है थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज़ हो पानी वाले। वो तेरी
ये ऐसे आड़ी टेढ़ी चीजें पड़े रहती है यहाँ पर, ऑब्सीडियन पड़ा हुआ है। और ये रे भाई सावन जी, ये लो फिर। अच्छा धूप है और पानी में जल नहीं रहा, ये देखो बाहर निकलते इसको आग लग रही है, खैर मरी गया। और वेट 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 वेट, यहाँ पर एक चेस्ट मेरे को नजर आ गई, चेस्ट को ओपन करते हैं। चेस्ट में फिशिंग रोड है पर ढेर सारा कोल है अपने काम का जो है। मेरे हिसाब से चेस्ट ना हर एक के नीचे होगी, मैं थोड़ा बहुत ना ढूंढने का ट्राई करता हूँ। नीचे नीचे वाले ब्लॉक तोड़ूंगा तो शायद मुझे दिख जाए, पर नहीं है। और वेट, इसकी वाली चेस्ट भी मुझे मिल चुकी है, ये रही। इसके अंदर भी ढेर सारा कोल है, कबाड़। मैप तो आई थिंक दोनों सेम ही होंगे तो मेरे को लेने का कोई फायदा नहीं है। सबके नीचे एक एक मस्त मस्त चेस्ट लगी हुई है तो पक्का इसके भी नीचे कहीं ना कहीं चेस्ट होगी। ओ ये रही, एक सेकंड, ये वाली चेस्ट को मैं फटाफट से ओपन करता हूँ। जी तू तू चेक करता हूँ कि आखिरकार बड़े ट्रेजर मैप हमें कौन से डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा है। मैं हूं इस टाइम इसके टॉप राइट में और मैं इसके आसपास ही हूं शायद। ओ वेट, ये तो इजी है, मैं इसकी तरफ बढ़ी रहा हूं। लेट्स गो, ये पानी के बीच में कहीं है, बोट लेकर मैं चलता हूं। इसको अपने राइट हैंड में रख लेता हूं ताकि मेरे को ये दिखता रहे। ओके मैप में मैं इसके काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूं, ये कहीं पानी के अंदर है शायद से। हाँ ये देखो, यहाँ पर लेफ्ट में चलता हूँ। डन 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 डन, तो अपने नीचे ही है वो एग्जैक्ट। फटाफट से पानी के अंदर ही चलते हैं क्योंकि यहीं पर दिखा रहा है मैप में। तो वो तेरी भैंस की टंग एक शवल बनानी पड़ेगी भाई, वरना बैंड बज जाएगी। तो अभी ना मैं एकदम तीन मस्त दरवाजे बनाकर ले आया हूँ और इससे क्या होगा कि मैं पानी में आराम से ऑक्सीजन ले पाऊंगा। दोबारा से चलते हैं उस लोकेशन पे, आई थिंक यही है वो फाइनल लोकेशन जहां पर वो मतलब कि चेस्ट मुझे मिलने वाली है ट्रेजर की। एक सेकंड, थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये। वो इधर गड्ढा हो रहा है, यही है क्या? पहले यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी सी ऑक्सीजन भरते हैं और इसके अगल बगल के ब्लॉक में तोड़ के नीचे देख लेता हूँ। खैर ओ तेरी, क्या निशाना है मेरा, एक ही बार में चेस्ट वाली जगह पर मैंने खोल दिया है। फटाफट से मैं जाने वाला हूँ और देख कर आते हैं आखिरकार क्या क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर। जल, अरे पाई, हार्ट ऑफ द सी और ढेर सारा आयरन। और एक मिनट, इसको तो मैं लूटते रहूंगा। लगे आते यहाँ पर एक डोर भी लगा देता हूँ जिससे मैं अपना थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भरते भरते इसे लूटू बिल्कुल प्यार से। वेट करता हूँ रात होने का ही क्योंकि अभी जो मेन चीज है वो है डार्क ओक वुड और साथ में कुछ एंडरमैन जिससे मेरे को एंडर पर्ल मिलेगा। भाई साहब मेरे को लग रहा है कि गेम में कुछ ग्लिच वगैरह हो गया, मेरे को दूर दूर तक कहीं पर भी डार्क फॉरेस्ट नहीं मिल रहा। क्या ठीक है, सामने मुझे एक पिलेजियो टावर मिल चुका है, यहाँ से मतलब डार्क ओक लॉक्स मुझे इजीली मिल जाएंगे और फिर मैं एक डोर भी बना लूंगा जिससे अपना एनीवेयर डोर बन जाएगा। बाकी एक मिनट रुक जाओ, सामने मुझे एक पिलेजर मिल चुका है। यार तू पिटना चाह रहा है, चाह रहा है कि नहीं इतना बता बस सीधा। ठीक है भाई, ये ले प्रसाद और पिट यहाँ से। गया बेचारा। यहाँ पर और भी होने वाले हैं बट मेरे को इनसे मतलब नहीं रखना, फटाफट इनकी वुड तोड़ के मैं जाने वाला हूँ। मेरे से पंगे मतलब भाई, सब पिटोगे बहुत बुरे वाला। लगी लगी बहुत गंदा मारे, एक दो और बस थोड़ी सी और ले लेता हूँ, क्या होगा एक्स्ट्रा काम आ जाएगी ना बाद में। अब तो इन्हें पिटूंगा, इनका पूरा घर लूटूंगा मैं। मतलब पंगे लिए कैसे, इन्होंने सोची कैसे मेरे से पंगे लेने की। लाओ भाई सीधा ऊपर आ चुका हूँ और कुछ भी इनके पास काम का नहीं है। ठीक है तो अपने पास वुड भी हो चुका है, बस एंडर पर्ल चाहिए और सामने एक मस्त विलेज है। ये एंडरमैन इतने ज्यादा घटिया होते हैं ना, दिखते ही नहीं है टाइम पे। टर्न तो अभी मैंने पहले तो अच्छे से रात होने तक का वेट करा है पर अभी भी मुझे एक भी। ओ वेट, ये एंडरमैन इस शीप के बीच में खड़े होके क्या कर रहा है यार। अपने भाई भाई को भी बुला ले, सबको मारूंगा मैं बहुत प्यार से। अच्छा अच्छा बेटा, अरे अब बस यार एंडर पल दे दो, मैं तेरे को बहुत प्यार से मार रहा हूँ वरना मैं बहुत बुरी तरह मारता हूँ। निकल यहाँ से निकल। ओ फाइनली एक एंडर पल मुझे मिल चुका है। पागल है पागल है, अरे दो मार रहे, वही मैं कहूँ मार आगे से रह और मैं जा भी आगे रहा हूँ। मार रहा है खींच रहा समझ नहीं आ रहा था। ओ भाई साहब उससे लड़ते हुए इतनी ज्यादा एचपी चली गई, ये मैंने नहीं देखा। और एक मिनट एक मिनट, एक एंटरमैन पीछे है मेरा भाई साहब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर ले आओ, माइनक्राफ्ट के ब्लॉक चुराते तुम। इधर आओ भैंस की ग्रास चुराई है, इधर ये ले ये ले। चुपचाप खड़े रह खड़े रह, पिटते रह बस। अरे धक्के में आ गए तू, पीछे हट। और छी यार गंदी किस्मत नहीं दी एंटर पर। अबे यार ये कैसी सी सीड है भैंस की। एंटर ये देखो फिर से एक एंटरमैन मिला है, पर ये यहाँ क्या कर, इनके साथ क्या कर रहे तू, इनकी बिरादरी का है मतलब, उन एनिमल्स के साथ खड़े रहे तो दे दे। ओए नहीं नहीं नहीं, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अगर वो ब्लास्ट हुआ तो एंटर पर भी गायब हो जाएगी, वहीं गिर गई है मैंने देख लिया। मेरे को कलेक्ट करने दो, मेरे भाई नहीं हो, प्लीज 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 दे दो यार। मैंने, मेरे पास कलेक्ट हो गई है क्या, पता नहीं है तो गायब हो गई है। ओ कलेक्ट हो गई है, मैं सोच रहा हूँ वहीं पड़ी हुई है, कहीं क्रीपर ब्लास्ट हो जाए और वो गायब ना हो जाए। ठीक है अपना काम हो चुका है और अब बारी आ गई है एक मस्त एनीवेयर डोर बनाने की क्योंकि मेरे पास सारी चीजें हैं। चुपचाप से ना घर में चलते हैं और आराम से यहाँ पर बैठ के बनाते हैं। हेलो भाई, ओए तू नहीं देखेगा ये आविष्कार, चल बाहर निकल यहाँ से, ये रहा रास्ता, बैठ बैठा निकल दिमाग के दही। हाँ ठीक है, और कोई आ तो नहीं रहा ना, पता लगा क्रीपर आ जाए तो भी। फटाफट सबसे पहले मेरे को बनाना होगा एक क्राफ्टिंग टेबल जिसके लिए मेरी इन्वेंटरी में जगह नहीं अच्छी। ये कोबलस्टोन को हटा के साइड फेंकता हूँ। डन, क्राफ्टिंग टेबल आ चुकी है, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले मुझे बनाने हैं दो डोर मतलब डार्क ओक के। तो अब मुझे सबसे सेंटर में रखना होगा ये कंपास, इसके ऊपर रखना है मुझे एक डार्क ओक डोर, लेफ्ट एंड राइट साइड में पिंक डाई क्योंकि पिंक कलर का डोर होता है, और साथ ही नीचे डिटेक्टर रेल
और फिर उसके बाद बीच में एक एमेथिस्ट शार्ड और इन दोनों साइड पर आने वाला है एंड्रिपल, जिसको इकट्ठा करने में भैया ऐसी तैसी हो गई थी। और फाइनली हमें मिल चुका है एनीवेयर डोर, अब इसको लेकर जाने वाला हूं मैं यहां पर लगाने के लिए। और सबसे पहले मैं जाऊंगा सीधा डेजर्ट टेंपल पे, क्योंकि वहां पर डायमंड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी लूट मिल जाएगी। मतलब अब मेरे को एंड्रो ड्रैगन को मारना है और जितनी जल्दी जितना सारा सामान मैं कलेक्ट कर सकता हूं वो कलेक्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ये मैंने रखा यहां पर अपना एनीवेयर डोर को, अब जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा इसके अंदर और चलते हैं सीधा डेजर्ट टेंपल पे। ऑल डन गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूं डेजर्ट टेंपल पे और ये मैंने ओपन कर दिया दरवाजा। ओ तेरी, एकदम सामने मैं इसके आ गया और फटाफट से इसको बंद करके मेरे को चलना होगा यहाँ से नीचे इस वाले ब्लॉक को। तो मैं अरे भाई 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 इतनी जल्दी तेज कैसे टूटा ही, मैंने उसे तोड़ दिया है। अब फटाफट भाई मेरे को यहाँ से जाना होगा नीचे, इसको भी हटा देते हैं फटाफट से। वेट, ये हो गया, अब देखते हैं। ओ तेरी, एंचेंटेड गोल्डन एप्पल, इतना ज्यादा, इतनी अच्छी किस्मत कैसे। वेट, बाकी कुछ भी काम का नहीं है, वाओ, मतलब एक डायमंड भी नहीं है, ठीक है, मतलब अच्छी लूट थी। मैं चाहूं तो इसके अलावा ओल्ड डेजर्ट टेंपल पे भी जा सकता हूं, बट नहीं, मेरे पास एक और बहुत ज्यादा मस्त जगह है जो कि है वुडलैंड मैंशन, वहां पे चलते हैं, वहां और तगड़ी लूट मिलेगी। ओके, तो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं वापस से एनीवेयर डोर में अपने। डन, ये हो चुका है ओपन, कर देते हैं इसे फटाफट से बंद और अब जाने वाले हैं वुडलैंड मेंशन। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग वुडलैंड मेंशन पे भी पहुंच चुके हैं। वेट यार, कितना ज्यादा मस्त है ना, सीधा आ जाओ। और मैं ना यहाँ से एक टोटम ऑफ अनडाइंग लेकर ही जाने वाला हूँ, मतलब एक मिनिमम, उसके बाद चार पांच जितने मिल जाए चलेगा, मैं पीटने के लिए रेडी हूँ। बाकी हाँ यार, यहाँ पर जो विंडिकेटर होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं। और छोटा ज़ॉम्बी, अबे तू क्या कर रहे हैं, तेरा चालान कट, अबे दो है भाई अंदर, क्या हो रहा है, निकल यहाँ से। यार मुझे ना यहाँ पर विंडिकेटर की आवाज तो आ रही है, वेट वेट वेट, यहाँ पर चलकर देखता हूँ। ओ तेरी, ये रहा विंडिकेटर भाई साहब, लड़ाई, अरे अरे वेट वेट वेट, भैंस की क्या था, पहले तो मार नहीं रहा था फिर अचानक से गुस्से में आ गया। ओए कूद के कैसे मार रहा है ये, तेरी निकल यहाँ से, आपकी दही कर रहा है। चलो भाई चलो 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 फटाफट से इसे तोड़ते हैं। और एक मिनट, इवोकर ग्राउंड फ्लोर पे है क्या, आवाज तो ऐसा लग रहा है जैसे कानों के बगल में से आई है। छोड़ यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ज्यादा मेरे को मस्ती वस्ती नहीं करनी, सीधा चलते हैं इवोकर के पास और उसे टोटम ऑफ अनडाइंग लेकर मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अरे भैया दो आ रहे हैं, एक मिनट, ये दोनों इतना गंदा मार रहे दुकान इनको, पैंस की। अब आना, आ जाओ भाई, कौन सा फालतू बोल रहा था, अब बोल बोल फालतू, निकल, एक्स एक्स मारोगे, एक और दो। ओ भाई भाई भाई, वाओ एमरल्ड मिले। यार मेरे पास ना फूड ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत और फूड होता तो मैं थोड़ा और चौड़ बाजी दिखाता, पर कोई नहीं। वो जा रहे अपने इवोकर भाई साहब, इवोकर ओए इसको बुला तो ऐसे ना ज्यादा सुन भी रहा हो, ये ले। एक्टिंग नहीं करनी मेरे आगे, आई लगी 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 भाई गुस्से में, पीछे भेज दिए मेरे अपने घटिया घटिया वैक्सेस। ओ तेरी, आ जाओ कौन फायर, अरे ये तो मार देगा, हट निकल यहाँ से तू, तेरा कोई काम नहीं है। अरे धक्का दे दिया इसने, निकल गई। अरे यार और भेज दिए उसने अपने साथ। माइनक्राफ्ट के सबसे खतरनाक मोब ना एक तरीके से वैक्स है, और देखना इसको क्या हरकत कर रहा है दीवार के उस पार से। अरे भाई और बंदे भेज दिए उसने मेरे को मारने के लिए, ये रहा यहाँ से एक्टिंग करता है, मिल गया। अरे उठा लो बस ये लकड़ी फेंक रहा हूँ। अरे मर गया भैया, मैं जा रहा हूँ, मैं आज के बाद नहीं आऊंगा कभी भी, मैं इसकी इन्वेंट्री में स्पेस है नहीं और मैं लूट करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। वो पंगे मतलब जगह खराब कर दूंगा, ये ले जगह कर दी मैंने खराब, कारपेट के सारे कारपेट हटा दूंगा, लो इसकी मेरे को परेशान करोगे भाई साहब। यहाँ पर एक ही वोकर और है मन, अरे यार तो चलो भाई अभी ना फटाफट मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, यहाँ पे मस्त पानी है, कूद के चुपचाप भाग जाता हूँ, पर ये लोग मेरे को बाहर भी मारने आने वाले, आ जाओ। अरे भाई पानी वानी हर जगह उठ जाते हैं, तो तुम्हारी भैंस की, यहाँ भी नहीं जा रहा हूँ ना अब तो, बेटा अगली बार आऊंगा नेदरराइट आर्मर लेके कुत्ता बना दूंगा, पूरा मेंशन जला के जाऊंगा। खैर ठीक है यार, अभी मेरा डोर कहाँ था यार, एनीवे डोर भी ढूंढना पड़ेगा, मैं जा कहाँ रहा था वैसे पैदल, यार आया मैं एनीवे डोर से था, वो उस तरफ है। यार जैसे तैसे बच के मैं पहुंच चुका हूँ वापस अपने एनीवे डोर के पास, पर पीछे से बहुत सारे मोबारे अंदर घुस जाओ, हम फटाफट से निकलते हैं सीधा नेदर फोर्ट्रेस के लिए, क्योंकि चांसेस है वहां से मुझे मिल सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट काम की चीजें। बाकी क्या क्या प्यारा फोर्ट्रेस आया ना, मतलब दूर दूर तक खत्म हो गया भाई ये शुरू, नहीं वेट वेट यहाँ पर है थोड़ा सा, लेट्स गो भाग के चलते हैं। ओ तेरी पिट के जाएंगी क्या ये ब्लेज आज मेरे से, सुबह सुबह बड़ा बहुत मारूंगा, अब मत करती हूँ, पहले बता रहा हूँ शील्ड नहीं लेकर आऊंगा बिल्कुल भी। अरे अच्छी है, बड़ा गंदा निशाना है यार, बहुत ही ज्यादा गंदा निशाना है इसका तो। लेट्स गो यहाँ से एक जंप मारता हूँ और अब चलते हैं फटाफट से आगे। अरे लग जाएगी यार, पूरा हाल होने वाला मेरा यहाँ पर भी इधर इसके। अरे भाई मारा भागो
भागो पिटा मैं पिटा भी मेरे को भाई फूड क्यों नहीं इकट्ठा करता हूँ मैं पता नहीं क्यों। वेट ये इस फोर्ट्रेस की मुझे थोड़ी बहुत सेफ जगह लग रही है। बाकी यार पहले तो फूड खा लेता हूँ। यहाँ पर कोई चेस्ट वगैरह नहीं है क्या यार? कैसा फोर्ट्रेस है ये? सामने एक पिगलिन भाई साहब है ये जो कि कुछ नहीं कहते। एक बार सामने को चलकर देख लेते हैं। इस तरफ में एक रास्ता जा रहे हैं और सामने एक बहुत ज्यादा मस्त चेस्ट है। फटाफट से चल के इसे ओपन करते हैं। उसमें से दो गोल्ड है जो कि बाहर फेंक देना चाहिए। बट हाँ यार एक काम करता हूँ, गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं जाने वाला हूँ बैस्टियन एमिनेंट में और वहां पर तो भैया पिगलिन अगर तुम गोल्ड ना पहन के जाओ तो कुटाई कर देते हैं ना। वेट ये वाला फोर्ट्रेस बहुत ज्यादा बड़ा भी है तो बहुत ज्यादा अच्छा भी है। वेट मेरे को ऊपर चढ़ना। आ जा एक सेकंड मैं ब्लॉक चेंज कर लेता हूँ जब तक। हाँ भैया, अरे मेरे भाई यहीं पर था क्या? वेट एक दो तीसरा मैं नहीं जा पाऊंगा, ऊपर खत्म है बेटा पंगे नहीं, पीछे हट। इसको आराम से निपटा सक। ओ तेरी भाई ये क्या हो रहा है, विदर्स कल ही दे दिया। ये गलत बात है यार, ये कुछ तो गलत बात है। फैंस के विदर या तो मेरे से बहुत ज्यादा डरने लग गए या पता नहीं क्या होता है। अपनी हार्डकोर सीरीज में भी एक ही बार में विदर स्कल मेरे को मिला था। एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले तो थोड़ा सा ना रास्ता ब्लॉक करके मैं स्मेल्टिंग करके थोड़ा बहुत फूड बना लेता हूँ। मेरे पास फर्नेस है ना, ये फर्नेस ही तो मैं ये रखे यहाँ पर। इसके अंदर डाल देता हूँ कोल और ढेर सारा कच्चा फूड और नीचे भी मेरे को कोल डालना है और शायद सामने स्केलेटन है। टर्न गाइस, तो सारे के सारे चीजें स्मेल्ट हो चुकी है, सारे फर्नेस तोड़ देता हूँ, फूड भी कलेक्ट हो जाएगा और ये भी। अब फटाफट से बढ़ते पीछे ही था एक मिनट। अरे मेरे भाई एक मिनट रुक जाओ, ऐसा पीटूंगा ना। हाँ बोलियो, खाना नहीं खाया था मैंने इसलिए मैं डर के भाग रहा था। और स्कल मत गिराइयो बस। हाँ बच गया, अगर ये स्कल गिरा था ना तो मैं फिर एक और लेकर जाता और फिर विदर को कूट देता। ठीक है, डन। यहाँ पर एक चेस्ट थी और मेरे को डायमंड स्वॉर्ड मिल चुकी है भाई, लेट्स गो। और लूटू गया इस फोर्ट्रेस को या फिर सीधा चलू बेस्टियन। की मैं रास्ते भटक चुका हूँ उस टाइम पे, पता नहीं मैं कहाँ से आया था और कहाँ को जा रहा हूँ। और वेट, यहाँ पर दो चेस्ट और हैं और इसमें से मेरे को थोड़ा बहुत और गोल्ड मिल चुका है। और ये जगह दूसरी है, मतलब ये वाली चेस्ट भी मैंने नहीं लूटी। और तेरी भाई यहाँ पर तो और डायमंड भी है, पता नहीं मैं डायमंड क्यों ले रहा हूँ। बट कोई नहीं, एक स्वॉर्ड मेरे को मिल चुका है, क्या ही बनाऊंगा। एक डायमंड और मिल जाएगा तो एक्स बना लूंगा। बाकी ठीक है यार, इस जगह पर भी मतलब मैं नहीं आया था। ओके तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ वापस से अपने एनीवेयर डोर के पास। और एक सेकेंड ये घर, अरे भाई 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 कच्चा निशान आएगा मेरा। एक मिनट, आइयो निकल यहाँ से। अच्छी, ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सीधा बेस्टियन रेमिनेंट में। बट मैंने एक गड़बड़ कर दी, गोल्ड तो इकट्ठा करा था पर कुछ भी गोल्ड का बनाया नहीं। यानी इस टाइम पर यहाँ के ब्रूट पिगलिन तो मेरे को मारेंगे ही, पर साथ के साथ पिगलिन भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरी तरह पीटने वाले हैं। ठीक है थोड़ा बहुत संभाल के आराम से। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से हटा कर ना ये लावा ले लेता हूँ, या फिर मेरे पास ना एक बहुत ज़्यादा मस्त आइडिया ये भी है। ओए ये तो लावा से जल जल के मर रहे हैं। वेट एक सेकेंड, मैं इस चीज़ का मस्त फ़ायदा उठाता हूँ ना। ब्रूट पिगलिन तो जल जाते थे, मैं भूल कैसे गए बात। अरे 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 आ जा फिर आ जा इसी बात पर, आ जा फिर ऐसे की तरह ले हमसे। ए बेटे दिमाग से मारा जाता है। चलो भाई ठीक है। ओ मेरे भाई, हाँ बेटा जला तेरी भैंस की ना, ये ले मेरे से फालतू मत बोल। गया अरे यार ये कहाँ आ रही है भाई, रुक जाओ मैं गिर घुर जाऊँगा भाई लावा में, गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा भाई। धक्का वक्का मत मार, डर लगता है मेरे को तुमसे, डर लग इधर आइयो। अरे तू तो बहुत ज़्यादा ही राक्षस है, पीछे हट। अरे भेट मैं पहले ना खाना खा लूँ, थोड़ा सा भोजन करना भी जरूरी है। ठीक है अभी फटाफट से ना मेरे को मेन ये चेस्ट खोलना। उठती हुई चेस्ट में नेदरराइट इंगट है, क्या फेंकूँ? दरवाजा फेंक देता हूँ। एंशिएंट डेबरीज भाड़ में जा, डायमंड ले रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को और भी कुछ काम का नहीं चाहिए। बच गया। ठीक है मैं भागता हुआ वापस पहुंच चुका हूँ सीधा एनीवेयर डोर के पास। अब जल्दी से चलते हैं सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ एंड्रू ड्रैगन को मारने के लिए। बट हाँ यार मैं सोच रहा हूँ उसको मारने से पहले अगर मैं एक नेदरराइट स्वॉर्ड बना लूंगा, मतलब मेरे पास जो डायमंड स्वॉर्ड है इसको नेदरराइट में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स गो, मैं आ चुका हूँ सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड में। दरवाजा कर लिया ओपन और सिल्वर फिश का स्पॉनर जल्दी से तोड़ देता हूँ, लगे यार डन है भाई। बट वेट यार, अंदर जाने के लिए तो मुझे ये तो मैं भूल ही गया कि मेरे को ये चाहिए होंगे, बट ये चाहिए ही क्यों? मैं सीधा एंड पे भी तो जा सकता हूँ ना ड्रैगन के पास। बट अच्छी बात ये है कि यहाँ से अगर थोड़ा बहुत वुड मिल जाएगा ना तो मैं लगे हाथ ही अपने लिए एक स्मिथिंग टेबल बना लूंगा। क्या ठीक है, आगे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बैक साइड पे चलते। अरे मेरे भाई ये कैसी सी जगह है यार। ओ वेट, शायद से सामने एक मस्त लाइब्रेरी है। ठीक है भाई, यहाँ से मेरे को प्लैंक्स मिल जाएंगे और अपना काम अब हो जाएगा। फटाफट से चल के मैं इसको तोड़ लेता हूँ। और यहाँ पर भी चेस्ट होती है, उसके अंदर भी कभी कभार काम की चीजें मिल जाती है। वेट ऐसे ढंग से दिखती नहीं है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। चेस्ट नहीं है क्या इधर? ये इधर ऊपर तो पड़ी हुई है,
एक पड़ी है ये, और इसके अंदर चाहिए किस चीज, स्माइक 4, मतलब यार एक एनविल चाहिए होगा ना, उसके बिना मैं इसे अपने टूल पे लगा ही नहीं पाऊंगा। क्या ठीक है, वो देखो वो पड़ी वहां पर चेस्ट, तो यानी मेरे को यहाँ से इसे तोड़कर कूदना है इस वाले के ऊपर, और इस चेस्ट के अंदर छी भाई कुछ भी नहीं है। बाकी सब ठीक है, चार प्लैंक इकट्ठे करने थे, फटाफट से इकट्ठे कर लेता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है मेरे पास, तो चार और इकट्ठे कर लेते हैं। चलो भाई अभी ढेर सारे प्लैंक मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, अब फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, इसको रखते हैं यहाँ पे, और इस क्राफ्टिंग टेबल के अंदर चार प्लैंक लगाने, ऊपर मेरे को दो आयरन लगाने। ये बन गई अपनी स्मिथिंग टेबल, स्मिथिंग टेबल को लगाते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर रखते हैं अपनी डायमंड स्वॉर्ड, डायमंड स्वॉर्ड के बाद नेदरराइट की स्वॉर्ड, और ये बन चुका है कमाल की चीज। और साथ ही एक चीज और बना लेता हूँ, मतलब एक डायमंड की एक्स हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। ऑलराइट गाइस, तो टाइम आ चुका है फटाफट से जाके एंड ड्रैगन को मारने का, और ये काम मुझे सच्ची में अभी बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि मेरे पास नेदरराइट स्वॉर्ड है, और ये पास है बहुत ज्यादा खतरनाक चीज जो कि है एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं ऊपर। मैंने बहुत सारा फालतू का सामान इधर उधर फेंक दिया है, और ये जितने भी इसके क्रिस्टल्स हैं ना, मैं ट्राई करूंगा इसे स्नोबॉल से फोड़ने का, इसलिए मैं तो मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। उतरी उतरी ड्रैगन तो फुल फॉर्म में लग रहा है आज, कोई दिक्कत नहीं, इसे बाद में पीटेंगे। फिलहाल अभी इसके जितने भी क्रिस्टल है यहाँ पर मैं, और ये वेट है, हल्के से जाके भिड़ी नीचे ये वाली ऊपर, और ये गई अंदर परफेक्ट। सामने भी एक और है, बट ये शायद से इतनी भी ज्यादा दूर नहीं जाने वाली, ट्राई करता हूँ स्नो जाएगी। वो गई 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 गई, वेट क्या मस्त निशाना है, सामने वाली पे भी फेंकता हूँ एक बारी। ये मैं चढ़ा यहाँ पे, शायद इतनी ज्यादा दूर भी गई, अरे यार थोड़ा सा पार हो गई ये वाली, प्लीज मैं ऊंची नहीं, नहीं नहीं ये सही है सही है सही है भाई। ड्रैगन के इतने सारे क्रिस्टल तो मैंने ऐसे ही फोड़ दिए हैं, बाकी एक ये वाला है इसको भी मैं फोड़ देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, और ये भी गया। ओके, तो मैं लास्ट वाले टावर के भी एकदम ऊपर आ चुका हूँ, फटाफट से स्नोबॉल मार के मैंने इसको भी तोड़ दिया। अब जल्दी से पानी कलेक्ट करता हूँ और चलता हूँ सीधा यहाँ से नीचे, और एक सेकेंड पानी, अच्छा वही मैं सोचा इतना सारा पानी डाला है नीचे जमीन पे दिख नहीं रहा, सारा बह के इधर आ रहा है। अब फटाफट से मैं मारने वाला हूँ ड्रैगन को, बट उससे पहले मैं इस एप्पल को खाऊंगा, ताकि एक दो बार में मैं इसको निपटा दूँ, बस मेरे को इसके नीचे आने का वेट करना है। बाकी जब तक फ्री टाइम में थोड़ा बहुत इससे स्नोबॉल से मजे ले लेता हूँ, जा भी रही है इस तक पहले ट्राई तो कर लूँ। वेट वेट जाएगी, पर थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके मारना होगा, क्योंकि स्नोबॉल की स्पीड बहुत ज्यादा कम है यार एरो से। तो ओके, तो ड्रैगन नीचे आ चुका है, गोल्डन एप्पल खाते हैं और चलते हैं फटाफट से इसकी मस्त वाली तुड़ाई करने के लिए। यार ये क्या चीज़ है, दिखता ही नहीं है, छी यार गायब हो गया ड्रैगन, बट कोई नहीं इसको आने दो, मैं बाद में इसे निपटाऊंगा। फिलहाल अभी ये इसको मैं स्नोबॉल से मारता हूँ थोड़ा बहुत। अरे यार कहाँ जा रही है सारी स्नोबॉल, ड्रैगन भी कह रहा होगा यार कैसे कैसे मटेरियल लेकर आते हैं फिर को मारने के लिए। ओके, तो ड्रैगन वापस से नीचे आ रहा है, स्नोबॉल मारने का ट्राई करूँ, मेरे को मेरे सबसे खाता ही नहीं है स्नोबॉल यार, बेइज्जती है ड्रैगन के लिए स्नोबॉल खाना एक बहुत बड़ी। ये ले ये ले ये ले, अरे तू तो ले, दो मिनट में तो भाग जा रहा है। ओके, तो ये दोबारा से नीचे आ चुका है। अरे अरे इतनी दूर से कैसे मार रहे, इधर आइए तेरी, अब मैं जाऊंगा ये उड़ जाएगा, उड़ियो मैं दो चाटे। अरे बाप रे क्या हो गया इसको, आने ही नहीं दे रहा पास। ओके, तो ड्रैगन वापस से आ रहा है नीचे, मतलब दो बारी पिट के जा चुका है, और आई थिंक ये इसका लास्ट टाइम होगा। ये एंटरमैन दिमाग मत खराब करो कसम से, अभी मेरी उससे लड़ाई होने वाली है पानी। अरे भाई 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 कौन मारा, आ गया ड्रैगन नीचे आ चुका है, और अभी बारी है इसको बुरी तरह पीटने की, इसके लग भी रहे हैं। अरे ये एंडरमैन पिटे भाई, तुम पिटे भैंस की, बाहर आ जाओ, बाहर हो गया अब दुपड़ता, आओ भैंस पानी डाल देता हूँ पहले कोने पे। आओ भाई कौन था, शोर मचा रखा है, अब सब गायब हो गए, अलग ही है भाई ये। चलो चलो चलो, लास्ट टाइम है ये एंडर ड्रैगन का, इस बार मैं इसको बच के नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटा लाओ मुंडी लाओ, एक दो तीन चार पाँच छः, अरे यार फिर बच गया, अब तो अगली बार आ बेटा, छोड़ूंगा नहीं। उतरी उसको उछाल दिया एंडरमैन को, ओए उसने मारा मेरे पे, हंसता उतारा, हंसा ही तो था मैं। ओके ओके ओके, वापस से नीचे आ चुका और इस बारी बस ये मर गया। चलो भाई जी जी, गेम हो चुका है, समझ लो खत्म, आ जा भाई, एक दो तीन चार। अरे अबे कैसे, अबे भिड़ के मर जा दीवार में यार, कित एचपी तो है ही नहीं उसकी, कैसे बच गया भाई। हेलो एक सेकेंड, वो समझ ही नहीं आ रहा यार, ये तो स्नोबॉल फेंक के मार दूंगा, मेरे को लग रहा है उसी में मर जाएगा। इधर आइए एक बारी, हल्की सी टच करी से लगी, अरे यार स्नोबॉल से मार ही नहीं सकते, ये नहीं मरता है स्नोबॉल से। ठीक है वापस आ चुका है, एक हिट करना, अरे धक्का नहीं भाई, बच गए, इसने इस बार अपने आप को बचा लिया। मार दो बस एक हिट भाई, ये धक्के दे दिया। चलो भाई चलो, वापस आ रहा है नीचे, अब अगर अब बच के भागा ना तू बेटा बहुत पिटेगा। आजा इसको आने दो चुपचाप से, मेरे को उड़ाने का ट्राई करेगा शायद से। ये ले स्कीटा, आधा घंटा फुकवा दिया इसने ये एक चाटा खाने के लिए मेरे से। चलो फाइनली हमने इसको भी निपटा दिया, और गेम हो चुका है एंड पूरा का पूरा।
और ये हमें मिल चुका है बहुत सारा एक्सपी एक टुकड़े में, बस लाओ भाई। चलो लगे हाथ, फटाफट से ड्रैगन एग भी इकट्ठा कर लेते हैं। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी ड्रैगन एग इकट्ठा करने के बाद ही मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे गेम एंड हुई है। लेट्स गो, फटाफट से तोड़ा और ये हो चुका है कहीं टेलीपोर्ट। फटाफट से मैंने ड्रैगन एग भी कलेक्ट कर लिया और डन, फाइनली हमने कर दिया गेम को प्रॉपर एंड। तो चलो यार, आज की वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 2 लाख लाइक के लिए, तो जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।